कोलकाता में रोड शो के दौरान बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी पर फेंका गया जूता, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर जूता फेंकने का आरोप। हावड़ा में बीजेपी के कार्यक्रम में हंगामा, बीजेपी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर कार्यक्रम बंद करवाने का आरोप लगाया। चुनावी साल में ममता बनर्जी को आई नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद, चिट्ठी लिखकर केंद्र से 23 जनवरी को नेशनल हॉलीडे घोषित करने की मांग की। भारतीय वैक्सीन पर सवाल उठा रहे विपक्ष पर संबित पात्रा ने साधा निशाना, विपक्ष पर भारत के खिलाफ साजिश करने का आरोप लगाया। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के भाई अरबाज खान और सोहेल खान पर बीएमसी ने किया FIR, मुंबई में क्वारंटीन सेंटर से भागकर घर जाने का आरोप। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने सीरम इंस्टीट्यूट को दिया परमिशन लेटर, कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के मैन्युफैक्चरिंग की इजाजत। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पहुंचा शमशान घाट पर, जल्द जांच पूरी करने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। याचिका में मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए देने की मांग। कोरोना वैक्सीन पर बोले सीएम शिवराज सिंह चौहान, मैं अभी नहीं लगवाऊंगा वैक्सीन, पहले बाकी को लगे फिर अपना नंबर आए। और आइए आपको सबसे पहले दिखाते हैं आज की चार बड़ी खबरें। कौन कौन सी वो चार बड़ी खबरें हैं जिन पर जी हिंदुस्तान की नजर लगातार बनी रहेगी। पहली बड़ी खबर की बात की जाए तो कल सरकार से बातचीत फेल होने के बाद आज फिर से सिंघू बॉर्डर पर किसान जुटेंगे और बनाएंगे आगे की रणनीति। जी हाँ, और अगली बड़ी खबर है पीएम मोदी आज देश को देंगे ऊर्जा सौगात, कोचिंग मंगलुरु नेचुरल गैस पाइपलाइन होगी देश को समर्पित, केरल और कर्नाटका के कई जिलों में मिलेगा इसका सीधा फायदा। तीसरी बड़ी खबर यह है कि देश में बच चुका है बर्ड फ्लू का सायरन, हिमाचल के बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, बिहार, झारखंड और उत्तराखंड में भी अलर्ट जारी हो चुका है। जी हाँ, और चौथी सबसे बड़ी खबर है गाजियाबाद में शमशान हादसे में 4 आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन जी हिंदुस्तान पूछ रहा है कि चिता के सारे लुटेरों को आखिर सजा कब मिलेगी। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें जो कि पश्चिम बंगाल से मिल रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा है, ममता के जाने का वक्त आ गया है, ये कहा गया अनुराग ठाकुर की तरफ से। जी हाँ, बंगाल की जनता बदलाव चाहती है, ममता के साथी उन्हें छोड़कर जा रहे हैं, तो लगातार विपक्ष और तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका वक्त आ चुका है, अब उनकी सरकार जाने वाली है। इस दिशा में कुछ लोग राज्यों को ले जाना चाहते हैं, वो राज्य के हित में भी नहीं है, और ये छटपटाहट, हड़बड़ाहट, घबराहट ये यही दिखाती है कि उनको बाहर की ओर जाने का समय आया है। लोग उनकी तृणमूल की नाव से उतर भी रहे हैं, नेता छोड़कर भाग रहे हैं, क्योंकि सत्ता से बाहर होने का समय आ गया है। लोग बंगाल से मुक्ति चाहते हैं, बंगाल में परिवर्तन चाहते हैं। लेकिन तो सिंघू बॉर्डर पर आज फिर से किसानों की बैठक होगी। जी हाँ, 2 बजे तय होगा आंदोलन में आगे का प्लान। 8 जनवरी को होने वाले बैठक की बनेगी रणनीति। आपको बता दें कि 6 जनवरी की ट्रैक्टर रैली को लेकर भी फैसला हो सकता है। सरकार पर दबाव बनाने के लिए आंदोलन किस तरीके से तेज किया जाए, इसको लेकर रणनीति आज किसानों की तरफ से बनाई जाएगी। दोपहर 2 बजे सिंघू बॉर्डर पर बैठक है। और अब देखिए कि आखिर क्यों और कैसे बार बार किसान और सरकार की बातचीत बेनतीजा हो जाती है। बहुत उम्मीदें थी 8वें राउंड की बातचीत से, ऐसा लग रहा था कि हल निकल ही आएगा। सरकार MSP पर लिखित आश्वासन देने को तैयार थी, लेकिन सरकार और किसान नेताओं के बीच तकरीबन 4 घंटे वाली मैराथन बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला और आखिरकार बातचीत की एक और नई तारीख मुकर्रर हो गई। अब 8 जनवरी को दोपहर 2 बजे एक बार फिर सरकार और किसानों के नुमाइंदे बातचीत की टेबल पर आए। 8 जनवरी को 9वें राउंड की। आज हम कोई निर्णय तक नहीं पहुंच सके और इसलिए यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर तय किया कि 8 तारीख को पुनः 2 बजे बैठेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दरअसल संवाद में समाधान की राह में भी कई रोड़े हैं। किसानों के बीच घुसपैठ कर चुके बिचौलिया नहीं चाहते कि आंदोलन खत्म हो, क्योंकि कुछ कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि नए कृषि कानून से बिचौलियों की मोनोपोली खत्म हो जाएगी, मंडियों का कमीशन सिस्टम खत्म हो जाएगा। उधर विपक्ष भी आंदोलन को खत्म करने की पहल करने के बजाय लगातार किसानों को उकसा रहा है। राहुल गांधी विदेशी सरजमी पर नए साल का लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन वहीं बैठे बैठे
पूरे दमखम से आंदोलनकारी किसानों का हौसला बढ़ा रहे हैं। कुछ घंटे पहले उन्होंने एक ट्वीट किया है, सर्दी की भीषण बारिश में टेंट की टपकती छत के नीचे जो बैठे हैं सिकुड़ ठिठुर कर, वो निडर किसान अपने ही हैं, गैर नहीं। सरकार की क्रूरता के दृश्यों में अब कुछ और देखने को शेष नहीं। सही बात कह रहे हैं राहुल गांधी, किसानों को अब कुछ और देखने के लिए शेष नहीं है, पर विदेशी भूमि पर नए साल का इस्तकबाल कर रहे राहुल गांधी के लिए तो बहुत कुछ है। इसमें कोई संदेह नहीं कि किसान इस कड़ाके की ठंड के बीच हो रही मूसलाधार बारिश को भी झेल रहे हैं। यह आंदोलन उनके लिए कतई आसान नहीं रह गया है, लेकिन बातचीत की टेबल पर पहुंचते ही किसान उसी सुर में बात करने लगते हैं। आठवें दौर की बातचीत में भी किसान अपना खाना खुद लेकर आए थे, लेकिन इस बार सरकार के मंत्री उनके साथ लंच में शामिल नहीं हुए। कुल मिलाकर बातचीत बेनतीजा रही। उम्मीद की किरण जाकर टिक गई है 8 जनवरी पर। दिल्ली की सीमाएं आंदोलन की वजह से सील है, NCR का आम शहरी आंदोलन की वजह से परेशान है, अर्थव्यवस्था को भी तगड़ा नुकसान हो रहा है, लेकिन हल है कि निकल नहीं पा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट। और बंगाल से जुड़ी एक और बड़ी खबर, नए कृषि कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित करेगी ममता सरकार, विधानसभा सत्र बुलाकर प्रस्ताव को पारित करवाएंगी ममता बनर्जी। मैं किसानों के पक्ष में हूं, बिल वापस लिया जाए, ये ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया है। पंजाब केरल में बिल के खिलाफ प्रस्ताव आ चुका है और अब पश्चिम बंगाल में तैयारी है कि जो कृषि बिल केंद्र सरकार की तरफ से लाया गया है उसके खिलाफ प्रस्ताव लाया जाए। ममता सरकार की तरफ से रणनीति तय कर ली गई है कि किस तरीके से केंद्र सरकार को घेरना है इसी बिल को लेकर। और सिंघू मोर्चे पर मौजूद किसानों का कहना है कि जब तक बिल रद्द नहीं होंगे हम वापस नहीं जाएंगे। नहीं, घर नहीं जाएंगे हम, जब तक फैसला नहीं होगा तब तक घर नहीं जाएंगे, 10 साल लग जाए, रहेंगे तो यही रहेंगे। संघर्ष कर रहे हैं, बहुत संघर्ष तेज है, मुझे लगता है कि सरकार अब तक नहीं हमारी मान रही। हमने कौन सा उनको बोला था कि ये कानून बनाने के लिए, जहर तो जहर ही है ना, चाहे वो थोड़ा हो चाहे ज्यादा हो। वहीं गाजियाबाद के शमशान हादसे मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहे हैं। मुख्य आरोपी ठेकेदार अजय त्यागी गिरफ्तार हो चुका है। फरार ठेकेदार पर 25,000 का इनाम रखा गया था। वहीं देर रात पुलिस के हत्थे चढ़ा आरोपी, नगर पालिका की ईओ समेत 3 आरोपी अधिकारी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। आपको बता दें कि मुरादनगर में निर्माणाधीन छत गिरने से 25 लोगों की मौत हुई थी और इस मामले पर अब कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर दिया गया है। देर रात इसकी गिरफ्तारी हुई है। इससे पहले ईओ समेत 2 अधिकारियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जी हिंदुस्तान लगातार इस खबर में बना हुआ है, मुहिम जी हिंदुस्तान की लगातार जारी है, ऑपरेशन चिता के लुटेरे। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर योगी सरकार की तरफ से कहा गया है कि जांच जल्द से जल्द हो, जांच रिपोर्ट तलब की गई है सरकार की तरफ से। तो गाजियाबाद में अर्थी के साथ चले 25 लोग खुद अर्थी बन गए क्योंकि देश का सिस्टम मर चुका है। बिल्कुल, जिम्मेदार केवल वो लोग नहीं पकड़े गए बल्कि वो भी हैं जो भ्रष्टाचार में डूबकर सिस्टम को कभी नहीं मरता देखते। वैसे ही लोग समेत आवाज पूरी दबती है, लेकिन जो जी हिंदुस्तान इन आवाजों को दबाने नहीं देगा, हर सच्चाई सामने लाएगा और हर मौत का, बिल्कुल हर मौत का, हर अर्थी के गुनाहगारों को सलाखों के पीछे पहुंचाएगा जी हिंदुस्तान। जी हिंदुस्तान की यह मुहिम लगातार जारी है, सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक जरूर देखिए ऑपरेशन चिता के लुटेरे, उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने इन लोगों की जान ले ली, 25 लोगों की मौत हो गई। सिस्टम में बैठे चिता के लुटेरों ने इस परिवार की चिता सजा दी और मजबूर कर दिया अपनों के शवों को शमशान घाट ले जाने की जगह सड़क पर रखने के लिए। अब कैसे जीवेंगे? अब हमारे जीने का क्या मतलब है? तीन के जो कैसे पैसे निकालेंगे? अब परिवार इंसाफ मांग रहा है क्योंकि मरे हुए सिस्टम ने इस परिवार के सारे पुरुषों को खत्म कर दिया और महिलाओं को सड़क पर बैठने के लिए मजबूर भी कर दिया। भैया घर में से कोई नहीं बचा,
सब चले गए हैं, उसके छोटे छोटे जो बच्चे नितिन के प्रमोद के भी सब चले गए, रोबिन के एक बहन है, चारों विधवाओं के सब। मुरादनगर के इस परिवार के तीन लोग 3 जनवरी को एक बुजुर्ग की अर्थी लेकर मुरादनगर के शमशान घाट पहुंचे थे, साथ में करीब 40 लोग और थे, लेकिन बुजुर्ग की चिता जलते ही भ्रष्टाचार से बनी एक इमारत ने इनकी भी चिता सजा दी। हादसे में 25 लोग मारे गए, उनमें ये 2 भाई और उनका भतीजा भी था। प्रशासन के समझाने के बाद ये शव शमशान ले जाए गए और अंतिम संस्कार हुआ। प्लीज प्लीज सर, आप हमसे मिलने के लिए आइए, योगी आदित्यनाथ जी आप हमारे मुख्यमंत्री हैं, ये आपका फर्ज है। मेरे फैमिली को देखिए, इधर देखिए क्या हाल है, इस घर में कमाने वाला कोई नहीं रहा, 4 आदमी थे, चारों के चारों चले गए 1 साल के अंदर। लापरवाही हुई है सर, इसमें कुछ भी पिलर देखिए आप, पिलर में मतलब कुछ भी नींव भी नहीं खुदी है, टोटल रेत में बना हुआ है। 25 मौतों के बाद सिस्टम जागा, जिम्मेदारी तय होनी शुरू हुई और 4 लोग गिरफ्तार किए गए। ईओ निहारिका सिंह, जेई चंद्रपाल, सुपरवाइजर आशीष और साथ में ठेकेदार अजय त्यागी, जबकि बाकी 3 को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जो ये घटना हुई है वो उसमें वास्तव में कौन दोषी है और उसमें 100% उसकी रिस्पांसिबिलिटी फिक्स की जाएगी, क्रिमिनल लायबिलिटी तय की जाएगी। सरकार ने भी इस मामले को गंभीरता से समझते हुए फौरन मुआवजे की रकम 2 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दी, साथ ही मृतकों के परिजनों से किसी एक को सरकारी नौकरी देने का भी वादा किया, सभी घायलों का मुफ्त में इलाज कराने का भरोसा दिया, विकलांगों को ठीक होने पर नौकरी देने का आश्वासन दिया, जिन मृतक के परिवार किराए पर रहते हैं उन्हें अपना मकान और छोटे बच्चों की पढ़ाई और बाकी खर्चा उठाने का लिखित भरोसा दे डाला। आईजी सर की, कमिश्नर मैम की और डीएम सर और एसएसपी सर की वार्ता हुई, उनके परिवार के लोगों से 1x1 वार्ता हुई, उसके बाद जो निर्णय लिए गए उसके अनुसार उनको 10 लाख रुपए दिए जाने की बात कही गई, योग्यता के अनुसार नौकरी रहेगी। मौत मुआवजे का खेल तो सालों से चल रहा है, सिस्टम में घुसे इस भ्रष्टाचार पर कैसे रोक लगेगी, अब हिंदुस्तान इसका जवाब चाहता है। महज कुछ लोग अपनी जेब भरने के लिए कब तक आम लोगों की अर्थियां सजाते रहेंगे, आखिर कब तक नौकरशाही और ठेकेदारी प्रथा हिंदुस्तान को मौत के जख्म देती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक बड़ी खबर आपको बता दें, आतंकियों से गुपकार गैंग की हमदर्दी फिर सामने आई है, महबूबा अब्दुल्ला फिर माहौल खराब करने की बात कर रहे हैं कि माहौल खराब करने की साजिश रची जा रही है। जी बिल्कुल, महबूबा अब्दुल्ला ने 3 आतंकियों के शव परिवार को सौंपने की मांग की है, वहीं पारिमपोरा में मारे गए आतंकियों के शव परिवार को सौंपने की मांग की है। आतंकियों का जनाजा निकालकर गुपकार गैंग माहौल को खराब कर सकता है। कि जो दिल्ली में बैठी सरकार है, यहाँ हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब बैठे हैं, क्या उनका दिल तड़पता नहीं है कि ये देखते हुए कि 3 हमारे जो बच्चे थे जिनका भी पता नहीं, कोई सबूत नहीं है कि वो क्या थे क्या नहीं थे, ये तो मुझे लगता है कि ये जुल्म की इंतहा है। एक माँ आखिरी वक्त में अपने बच्चे को भी ना देखे। और चुनावी मौसम में ममता को आई सुभाष चंद्र बोस की फिर से याद, ममता ने लिखा केंद्र को खत, बोस के जन्मदिन पर राष्ट्रीय अवकाश की मांग की है। 23 जनवरी को देश नायक दिवस के तौर पर मनाने का ऐलान किया गया है, किसानों की तरफ से नेताजी से जुड़े दस्तावेज सार्वजनिक करने की भी मांग की गई है, बोस के जन्मदिन को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने की मांग ममता बनर्जी की तरफ से की गई है। और पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले के खिलाफ अब हाईकोर्ट जाएगी बीजेपी। जी हां, पुलिस के रवैये के खिलाफ हाईकोर्ट जाने का फैसला बीजेपी की तरफ से कर लिया गया है। वहीं डीजीपी और एसपी के खिलाफ हाईकोर्ट से शिकायत करेगी बीजेपी। नंदीग्राम समेत कई इलाकों में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हुए हैं हमले। तो पार्टी कार्यकर्ताओं पर जिस तरीके से लगातार हमले हो रहे हैं, उसके बाद बीजेपी ने डिसाइड किया है कि हाईकोर्ट का रुख किया जाएगा, क्योंकि टीएमसी लगातार उनके जो कार्यकर्ता है रक्त चरित्र राजनीति में विश्वास रखते हैं और वही इस बात हो भी रहा है। बीजेपी ने रोड शो किया तो तृणमूल के गुंडे ने बैकलॉट में हमला कर दिया, जूते पत्थर इस्तेमाल किए, जिसके बाद बीजेपी ने राज्य के राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर दी। देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीरें बताती हैं कि सूबे में तेज हो रही चुनावी जंग से ममता सेना किस कदर बौखलाई हुई है।
अगर भारतीय जनता पार्टी के विशाल रोड शो का जवाब तृणमूल के गुंडों ने इस तरह हिंसा के सहारे दिया, दीदी को उनके ही गढ़ में चुनौती देते हुए आगे बढ़ रहे बीजेपी के विजयी रथ पर ममता के गुंडों ने पत्थर से लेकर जूते तक बरसाए। इस दौरान बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, मुकुल रॉय और अर्जुन सिंह समेत कई पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं ने जैसे तैसे जान बचाई। बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं इस रोड शो में जैसे ही आगे बढ़ रहे थे, जय श्री राम के नारे गूंज रहे थे और बीजेपी का रोड शो जो है वो आगे बढ़ता जा रहा था। जैसे ही खिद्रीपुर मोड़ पर रोड शो पहुंचा, तृणमूल कांग्रेस का मंच लगा था और वहां से हमले जो है वो शुरू हो गए। इससे पहले बंगाल पुलिस की तरफ से बीजेपी को रोड शो की इजाजत नहीं दी गई थी और ट्रैफिक जाम लगने की दलील दी गई, लेकिन बीजेपी ने इस फैसले को ममता राज में तानाशाही करार दिया और मंजूरी ना मिलने के बावजूद शक्ति प्रदर्शन किया। इस दरमियान हर तरफ भगवा ध्वज लहराते नजर आए, बेहिसाब जनसमूह भी उमड़ा हुआ दिखाई पड़ा। शायद इसी अपार समर्थन को दीदी के गुंडे देख नहीं पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल से मिल रही है, जहां पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए सोनिया गांधी ने कमेटी बना दी है। अधीर रंजन चौधरी की अगुवाई में 4 सदस्यों की कमेटी बनाई गई है। लेफ्ट पार्टियों से सीट शेयरिंग पर बातचीत होगी, साथ ही कांग्रेस और लेफ्ट के बीच जल्द मीटिंग हो रही है। तो आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने तैयारी पूरी कर ली है। सोनिया गांधी की तरफ से एक कमेटी बनाई गई है और इसी कमेटी में तमाम वो दिग्गज नेता मौजूद होंगे जो कि वहां की पार्टी के साथ विचार मंथन करेंगे कि किस तरीके से आगे बढ़ना है इस बार के विधानसभा चुनाव को लेकर। तो सीट शेयरिंग पर बातचीत होगी लेफ्ट पार्टियों से। बिल्कुल, अधीर रंजन की अगुवाई में सदस्यों की कमेटी बनाई गई है। वहीं ताजमहल में लहराया भगवा ध्वज, अज्ञात लोगों ने ताजमहल में लहराया भगवा ध्वज। सीआईएसएफ ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, ताजमहल में भगवा ध्वज लहराया गया है। जानकारी मिल रही है कि कुछ अज्ञात लोगों ने ये ध्वज लहराया है। कौन वो लोग हैं इनके बारे में अभी जानकारी नहीं, लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले की जांच जारी है, जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है सीआईएसएफ की तरफ से। तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर ये देखिए, 6 से 7 लोग बताए जा रहे हैं जो कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, जो कि भगवा ध्वज लहराते हुए ताजमहल के भीतर। और सौरभ गांगुली को आज अस्पताल से मिल सकती है छुट्टी। एक बड़ी खबर आपको यह बता दें कि कोलकाता के वुडलैंड्स अस्पताल में सौरभ गांगुली भर्ती थे, लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि उन्हें डिस्चार्ज किया जा सकता है। जी हां, शनिवार से अस्पताल में भर्ती है सौरभ गांगुली। वर्कआउट करने के बाद सीने में दर्द हुई और फिर उन्हें शिकायत आई कि उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया जहां उनका इलाज चल रहा था, और अब जो मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया है उसके मुताबिक उनकी सेहत में सुधार है और जल्द ही डिस्चार्ज होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से जुड़ी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जारी किया है वीडियो, आतंकियों से सरेंडर की अपील का वीडियो जम्मू कश्मीर पुलिस ने जारी किया है। 30 दिसंबर को श्रीनगर में मारे गए थे आतंकी, मुठभेड़ पर सवाल उठाने के बाद वीडियो जारी किया गया है। सरेंडर की अपील की गई है पुलिस के तरफ से। तो ये वीडियो जो जारी किया गया है उसमें आप देखिए किस तरीके से आतंकियों से अपील की गई है कि आप सरेंडर कर दीजिए। मुठभेड़ पर सवाल उठाने के बाद ये वीडियो जारी किया गया। तो आइए आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ पुलिस ने कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देंगे ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ी सौगात। कोची मंगलुरु नेचुरल गैस पाइपलाइन की सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी जाएगी, उनकी तरफ से दी जाएगी। देश को समर्पित करेंगे ये आज बड़ी सौगात, एक राष्ट्र एक ग्रिड की दिशा में ये बड़ा कदम है सरकार का। जी हाँ, 450 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन को गेल ने बनाया जाएगा। 3,000 करोड़ की लागत से पूरा होगा प्रोजेक्ट। वहीं 12 मिलियन मिलिट्री मेट्रिक
क्यूबिकल टन प्रतिदिन की क्षमता रहेगी। आम लोगों के घरों में सस्ता पीएनजी सीएनजी मिलेगा। वही स्थानीय उद्घाटनों की ऊर्जा जरूरतों को करेगी पूरा। केरल और कर्नाटका के कई जिलों में सीधे तौर पर फायदा मिलेगा। और नए संसद भवन निर्माण मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगी। आज 3 जजों की बेंच 10:30 बजे अपना फैसला सुनाएगी। आपको बता दें कि 5 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। फैसला क्या कुछ है आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनाया जाएगा। बिल्कुल, लैंड यूज बदलन पर्यावरण मामले को लेकर ये याचिका कोर्ट में शिलान्यास की अनुमति दी गई थी, निर्माण पर रोक लगाई गई थी, तो वहीं आज सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। हिंदुस्तान पे खबरें लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। सफर में हो या फिर घर पर, अब हर खबर होगी आपकी हथेली पर। ऐप स्टोर पर जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान ऐप। 5 भाषाओं में चुनें अपनी पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान के लाइव टीवी पर कीजिए क्लिक और देश दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर।